हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको एक बेस्ट पोर्टल के बारे में बताएंगे, ऑक्सी मनी। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का नंबर वन पोर्टल है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड है। जी हाँ दोस्तों, इनके पास आरबीआई से लाइसेंस रजिस्टर्ड है, तो बहुत अच्छी कंपनी है ऑक्सी मनी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पोर्टल दिखा देता हूँ। इस प्रकार से दिखाई देगा। एपीएस है इसके अंदर, रिचार्ज है, ठीक है, रिचार्ज है और डीटीएच रिचार्ज है, डाटा कार्ड रिचार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस है, गैस है, लैंडलाइन है और फ्लाइट है। तो फ्रेंड्स, एपीएस के ऊपर 7 रुपये 50 पैसा मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए आगे बात कर लेते हैं एपीएस की। तो एपीएस कैसे काम करता है, इसके अंदर देखो दो टाइप होते हैं, यानी कि कैश विड्रो है और बैलेंस इंक्वायरी है। तो आप दोनों कर सकते हो, कैश विड्रो करके आपको दिखा देंगे अभी। ठीक है, चलिए मैं मात्र 100 रुपये इसके अंदर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे 100 रुपये ऊपर दिखाई दे रहा है, उसके नीचे UID लिखी आ रही है। यहाँ पे टाइप कर देते हैं आधार कार्ड नंबर। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से इसमें आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे बैंक नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे बैंक नेम डाल देते हैं। उसके बाद में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है और यहाँ पे लेफ्ट राइट जो भी आप लगवाना चाहो फिंगरप्रिंट, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं लेफ्ट में इंडेक्स और उसके बाद में नेक्स्ट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद में बायोमेट्रिक में लाइट ओपन हो जाएगी और उसके बाद में कैप्चर, देखो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, यानी फिंगरप्रिंट यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में देखो कैश विड्रो सक्सेसफुल हो चुका है और बहुत ही आसानी से, बड़ी आसानी से पैसा विड्रो हो जाता है और इसके अंदर कमीशन 7 रुपये 50 पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा पोर्टल है, आप इसको लेना चाहो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो देखो इस प्रकार से इसके अंदर ट्रांजैक्शन दिखा दी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए मैं बैक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, 100 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इनको सिंपली हम मनी ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक में मनी ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो चलिए बैंक के ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे, आई एग्री कर देंगे और इसके अंदर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर सबसे पहले टाइप करना होता है। तो फ्रेंड्स, आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और आईडी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी ले सकते हो, सुपर आईडी भी ले सकते हो, रिटेलर आईडी भी ले सकते हो, सबके प्राइस अलग अलग हैं, तो आप हमसे संपर्क करके कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस अकाउंट को डिलीट कर देता हूँ, आपको शुरू से बताता हूँ किस प्रकार से बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। चलिए, मेरा नाम राजेंद्र है, मैं इसके अंदर नाम राजेंद्र डाल देता हूँ, उसके बाद में अकाउंट नंबर सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए मैं फटाफट से अकाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो यानी SBI है, वो यहाँ पे डाल देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1000 से नीचे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अंदर 7 रुपये चार्ज लगता है मनी ट्रांसफ़र के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो फ्रेंड्स बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है और उसके बाद में देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको, चलो मैं 80 रुपये यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, IMPS सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में कन्फर्म कर देना है। उसके बाद में फ्रेंड्स पिन नंबर जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। चलिए, मेरा पिन नंबर डल चुका है और उसके बाद में ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखो मैसेज भी आ चुका है, मेरे बैंक के अंदर पैसा क्रेडिट भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा पोर्टल है, इसको आप ले सकते हो, नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है, बाकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अभी इसको लॉग आउट कर देते हैं, यानी कि जो हमने मनी ट्रांसफ़र किया था वहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। तो चलिए अभी बैक हो जाता है, इसको ओके कर देना है और बैक सिंपली कर देते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 रुपये ऑलरेडी बच चुका है, यानी कि हमने 80 रुपये यहाँ पे किया था। ओके, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, APS कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पोर्टल है, 7.5 रुपये इसमें APS कमीशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।